बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। इस वीडियो में हम कपास की फ़सल के बारे में बात करेंगे कि कपास की फ़सल अब बारिशों के बाद क्या सूरत हाल है, और इस वक्त स्प्रे का अमल भी जारी है, क्योंकि आपको पता है कि अब रस चूसने वाले कीड़ों का हमला जो है वो बहुत तेज़ हो चुका है। ये खेत जो है इसमें हमने CK6 वैरायटी जो है वो काश्त की हुई है, और इसके मतलब आज मैं आपको बताता चलूँ कि हम इसमें दो स्प्रे करवा रहे हैं मिक्स करवा के। एक हम सफ़ेद मक्खी के बालक बच्चों के लिए पारीप्रोक्सिफिन का स्प्रे करवा रहे हैं, और साथ उसके हमने एबामेक्टिन मिक्स किया हुआ है उसमें थ्रिप्स वगैरह के लिए और सुंडी वगैरह के लिए। जो हमारे पास ये दो स्प्रे हमने लिए हैं, और अब हम आज इसका स्प्रे करवा रहे हैं। कल इसका रिज़ल्ट, कल से परसों तक हम इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आया है। बाकी ये माशाल्लाह फ्रूटिंग देख लें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रूटिंग जा रही है, और अभी भी बारिशों के बाद अब खुश्क मौसम हो तो ये माशाल्लाह से खिलने के करीब हैं टिंडे। ये 26 अप्रैल की काश्त है माशाल्लाह से। ये हर बूटे के आप देख लें कैसे ज़बरदस्त टिंडे लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारी फसल है। ये हम जी दो कर रहे हैं स्प्रे, एक पारीप्रोक्सिफिन है और साथ उसके एबामेक्टिन, साथ हम इसमें थोड़ी सी जो है वो पोटाश, और ये पोटाश का और मिक्सर बनाया हुआ है यूरिया का, ये भी हम हर टंकी में डाल डाल के कर रहे हैं। तो अब देखें ये कपास की फसल तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खड़ी है। अल्लाह करे हमारी खेतियों में बरकत आए, और अल्लाह सब के हामी व नासिर हो। आमीन।